ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा जारी है। दरअसल पाकिस्तान में आज वोट पड़े हैं और इस बात पे नजर है कि कौन पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का अभी तक यही कहना है कि नवाज शरीफ का फिलहाल प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि जिस प्रकार से वो लंदन रिटर्न हुए हैं तो सेना का हाथ उनके ऊपर है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनासर, मैं नवाज शरीफ को लेकर ही कुछ सवाल मेरे जहन में, जिनको समझना चाहूंगा। 1998-99 का वो दौर जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नवाज शरीफ वहां पे प्रधानमंत्री थे, बातचीत चली, कहा जाता है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के बेहद करीब दोनों नेता पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर मुशर्रफ का दौर आता है, नवाज शरीफ गायब हो जाते हैं। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर नवाज शरीफ भारत आते हैं शपथ ग्रहण में, फिर प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान जाते हैं। तो एक नवाज शरीफ से रहता है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों को रखा जाए, लेकिन क्या जिस प्रकार से जो जनरल मुनीर की राह है, जिस प्रकार से चाहे पुलवामा अटैक से लेकर अभी तक जो भारत के खिलाफ उनके एक्शन है, क्या वो वाकई में नवाज शरीफ को भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए आगे बढ़ने देंगे, या फिर वही होगा जो इतिहास में होता आया है, भारत की बात करोगे तो 2.5 साल बाद चेंज भी हो जाओगे। राजेश, 1971 में जब लड़ाई खत्म हुई तो हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद से ज्यादातर पाकिस्तान के जो तालुकात हैं जी पॉलिटिकल लेवल पर हमेशा अटक रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि अब तक पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रेसिडेंट तो आर्मी वाले ही बना देते हैं जी, अभी तक ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान की आर्मी को, आर्मी चीफ को और ISI को अपने काबू में रख सके। बहुत कुछ दारुंदार इस बार है कि नवाज शरीफ वो गलती नहीं करेंगे पास्ट में जो उन्होंने, इस बार वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। आसिम मुनीर को उन्होंने खुश रखना है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। आसिम मुनीर में वो भद्दी मार रहे हैं बीच में, कुछ बयान दें, लेकिन शायद उनको इतना पावरफुल ना बनने दें इस बार कि वो अपनी चिट्स वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर से दिल्ली से चिट्स जाती हैं उनके पीओनों के ऑफिस में, वो चिट्स हो जाएगा। एक चीज बहुत ज्यादा है निर्भर की नवाज शरीफ कितनी मजबूती से पावर पे आते हैं। देखिए कोई 300 उनकी नेशनल असेंबली में तो समझिए 169 सीट से ज्यादा उनको मिलनी चाहिए। ओके, क्या है कि वो अगर समझिए PMLN के अपने खुद के 169-170 आ जाए तो उनको मिलेगी मजबूती, और अगर उनको और भी ज्यादा मिल जाती हैं, समझिए PMLN के या उनके जो लॉयलिस्ट पार्टी हैं, जो उनके करीबी हैं, जो कभी तोड़कर आर्मी को तोड़ नहीं सकती जी, बेरावल देता हूँ जो कि होता है अगर उनको 300 अगर उनको 210 पक्का अपने हाथ में मिल जाए, जो कि उन्हें पता है कि आर्मी कभी भी नहीं तोड़ पाएगी, चाहे कुछ भी कर ले, इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, तो हमारे आर्मी को भगा देगी। तो फिर आस्ते आस्ते नवाज शरीफ ने इस बार आर्मी को थोड़ा सा कंट्रोल में ले लेना है, लेकिन तो पाकिस्तान और हमारे पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमेशा जोर देती है अपना वजूद दिखाने के लिए कि LOC कुछ भी नहीं है, हम तो हिंदुस्तान वाले कश्मीर को जबरदस्ती हासिल करके दिखाएंगे, और डर दिखाती रहती है कि अगर आर्मी तो हिंदुस्तान PAK को जबरदस्ती हासिल कर लेगा। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, मैं आता हूं, मैं चाहूंगा कि आपकी थोड़ी सी आवाज चेक करें क्योंकि थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। संजीव जी, जो चीज समझना यहाँ पे जरूरी है, मुझे जनरल बाजवा का वो आखिरी दिन याद है जब वो मुनीर को सेना की कमान सौंप रहे थे, तब उन्होंने एक चीज कही थी कि कई दशकों से सेना राजनीति में शामिल रही है, लेकिन अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सेना ऐसा ना करे, लेकिन ये उम्मीद
लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में उम्मीद ही रह जाएगी, क्योंकि मुनीर ने लगता है कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। देखिए राजेश जी, पाकिस्तान की जो वास्तविक शासक हैं, जो वहाँ के जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वो अपनी सत्ता पर नियंत्रण को कभी भी नहीं खोना चाहेंगे, और यदि किसी ने उनकी नियंत्रण को, उनके कंट्रोल को यदि चैलेंज करने की कोशिश की तो जाहिर है कि उनको ऐसे नेताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि उन्हें फांसी के फंदे पर भी लटकाने का कार्य वहाँ के आर्मी और एसआई ने किया है। तो ये और इमरान खान का वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का उनके साथ बर्ताव हो रहा है। 150 के लगभग केसेस हो चुके हैं और कड़ी से कड़ी सजाएं उन्हें सुनाई जा रही हैं, और उनका जो आने वाला भविष्य है अंधकार में दिखाई देता है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और एसआई ऐसे पॉपुलर शख्स को, ऐसे पॉपुलर लीडर्स को और उनकी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं जो कि उनकी सत्ता के लिए चैलेंज बन सके। तो ये जो पाकिस्तान में जरूर ये कभी कभी बयान वगैरह और से दिए जाते हैं कि आशा की जानी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो कड़वी सच्चाई ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, बिटर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का ही जो पूरा वहां नियंत्रण है, यहाँ तक कि जो जुडिशरी के अगर कुछ एक जजेस के कुछ जुडिशियल वर्डिक्ट्स के या कुछ जजेस के को अगर पुट असाइड कर दें तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है, और अभी आप देखिए तो नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस हैं उनमें तमाम उनको राहत पे राहत मिलती जा रही है, और उनके प्रधानमंत्री पद पर जो बैठने का उनका जो सिलेक्शन है, उसका जो पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहा है वो कंप्लीट कर लिया गया है, और अब एक फॉर्मेलिटी ऐसा लगता है। ये बड़ा चिंताजनक पॉइंट भी है जो आपने कवर किया, जिस प्रकार से नवाज शरीफ के तमाम केस जो है वो माफ कर दिए गए और इमरान को सजा पे सजा का ऐलान होता चला गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद शिवाज सर मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा मालदीव को लेकर, क्योंकि आईएमएफ ने मालदीव को चेता दिया है, लेकिन क्या मुईजो सुनेंगे, एक बड़ा सवाल। छोटा सा ब्रेक, फिर